स्टूडेंट बेसिकली आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो किसके आगे होगा, जो लास्ट टॉपिक हमने किया था। लास्ट टॉपिक ओम्स लॉ किया था हमने, ठीक है। और ओम्स लॉ के बाद हमने क्या किया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ओम्स लॉ का डेरिवेशन किया था, ये सारा हमने कर लिया। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया है, कलर कोड फॉर कार्बन। ठीक, अभी कलर कोड फॉर कार्बन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्या मार्क करना है, अटेंडेंस। सबसे पहले अटेंडेंस मार्क करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं कलर कोड फॉर कार्बन। कलर कोड फॉर कार्बन सिर्फ इस टर्म के सिलेबस के लिए डिलीट किया गया। वैसे ये सिलेबस में पहले हुआ करता था, बाद में भी होगा, लेकिन इस बार कोरोना है इसीलिए सिर्फ इस टर्म के सिलेबस में इवेलुएट नहीं होगा। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाफट समझ जाओगे। सबसे पहले अटेंडेंस मार्क करो, ठीक है। देखो अब ये कलर कोड फॉर कार्बन हम कहाँ यूज करते हैं, हम रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ये कोडिंग यूज करते हैं। जो मार्केट में रेजिस्टर मिलता है, छोटा छोटा रेजिस्टर होता है, उसके ऊपर सर्कुलर स्ट्रिप्स बने होते हैं डिफरेंट कलर्स के, हमें उसी से पता चलता है कि उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू है, आखिर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ओम है। क्लियर है, कैसे पता चलता है, देखो ये टेबल है जिसमें कलर्स को अरेंज किया गया है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर। तुम्हें इसी ऑर्डर में याद रखना है इसको। अब अगर तुम इसको इसी ऑर्डर में याद रखते हो तो तुम ध्यान से देखो कैसे याद रखेंगे। लेटर है बी बी आर ओ वाई जी बी वी जी डब्ल्यू, हर एक लेटर के आगे एक नंबर है फ्रॉम 0 to 9, एंड देन देयर इज अ मल्टीप्लायर आल्सो फ्रॉम 0 to 9, एंड देन 10^-1 एंड 10^-2। ठीक है, अब अगर इसको देखो तो ब्लैक के बाद ही ब्राउन आना चाहिए, उसके बाद रेड आना चाहिए, ऑरेंज आना चाहिए। तो एक याद करने का तरीका है, बहुत सारे बुक में दिया भी है, बी बी आर ओ वाई, बी बी रॉयल, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। क्लियर, बहुत सारे बुक में ये भी याद करने के लिए दिया गया तरीका, किस तरह से तुम कलर की कोडिंग को याद रख सकते हो फिंगर टिप्स पे। कैसे देखो, बी बी आर ओ वाई, Great, Britain, very good, wife. Clear? And 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब इसको solve कैसे करते हैं? Suppose करो, तुम्हारे पास resistor, ठीक है? इसके ऊपर strips बने होते हैं color के। अब सबसे पहला color, मान लो सबसे पहला color है तुम्हारा brown। तुम क्या लिखेंगे? सबसे पहला letter, first color is brown. First color is brown. नेक्स्ट कलर इज येलो, थर्ड कलर इज ब्लू। ठीक है, तीन कलर है, ब्राउन, येलो, ब्लू। तुम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ब्राउन, बी है 1, फर्स्ट डिजिट 1 लिख दो। सेकेंड है येलो, येलो इज 4, देन 4। थर्ड इज ब्लू, थर्ड में हम मल्टीप्लायर लिखेंगे, ब्लू का मल्टीप्लायर देखो 10^6 है, इनटू 10^6। अब अगर फोर्थ कलर है तब तो ओके है, अगर फोर्थ कलर नहीं है, फोर्थ कलर या तो गोल्ड होगा या तो सिल्वर होगा या तो कलर ही नहीं होगा। अब यहाँ पर कलर ही नहीं है तो टॉलरेंस लिमिट क्या हो जाएगा, ±20%। अगर फोर्थ कलर गोल्ड होता तो क्या लिखते हैं, ±5%, और यही अगर सिल्वर होता तो ±10%। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर कलर कोडिंग ये है। फिर से एक बार समझ लो, किसी भी रेजिस्टर पे कलर्स होते हैं, हमें क्या करना है, कलर्स को आइडेंटिफाई करना है, ब्राउन, येलो, ब्लू। ठीक है, ब्राउन का सबसे पहला डिजिट हम लेटर्स में सबसे पहला डिजिट देखेंगे क्या है, ब्राउन, ब्राउन 1 है, येलो, येलो 4 है। यानी पहले दो कलर से हमें यहां से नंबर्स को लिखना है, पहला दो कलर दो नंबर को डिनोट करेगा, उसके बाद थर्ड कलर मल्टीप्लायर को डिनोट करेगा, थर्ड कलर मल्टीप्लायर, थर्ड कलर इज ब्लू जो 10^6। कोई भी कलर नहीं मैंने इसके आगे दिखाया, नो कलर, तो टॉलरेंस लिमिट क्या है, 20%।
दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विच हैव द कलर ब्राउन येलो एंड ब्लू. आई बात समझ में? तुम इससे किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, जो मार्केट में अवेलेबल रेजिस्टेंस होता है उस पर कोई वैल्यू नहीं लिखा होता, इतना छोटा होता है, उस पर स्ट्रिप्स होती है कलर, और उस कलर को आइडेंटिफाई करके हम उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के वैल्यू को नोट डाउन कर सकते हैं. क्लियर? तो ये छोटा सा टॉपिक था, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस. अब नेक्स्ट, क्योंकि हमने ओम्स लॉ खत्म कर लिया है, तो हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज नॉन ओमिक डिवाइसेस. पहले हमने ओमिक डिवाइसेस को देखा. ओमिक डिवाइसेस क्या था? ओम्स लॉ को जो ओबे करता है वो क्या होते हैं? ओमिक डिवाइसेस. ओम्स लॉ को ओबे करने का मतलब है कि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, V इक्वल्स टू IR है. ठीक है, अब अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल है या करंट और वोल्टेज दोनों अलग अलग अमाउंट से वेरी करता है, तो ऐसे सारा केसेस किसके अंदर आ जाता है? नॉन ओमिक डिवाइसेस या नॉन ओमिक कंडक्टर. यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन ओमिक डिवाइसेस का वेरिएशन लीनियर नहीं होगा. अगर हम ओम्स लॉ देखते हैं तो ओम्स लॉ के अंदर वी और आई का वेरिएशन क्या होता था? लीनियर. इसमें वेरिएशन लीनियर नहीं होगा. देखो ध्यान से, नॉन ओमिक डिवाइसेस, सिंपल सी बात है, नॉन ओमिक डिवाइसेस आर द डिवाइसेस व्हिच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ. और अगर ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका करंट और वोल्टेज का वेरिएशन लीनियर नहीं है. अगर ओम्स लॉ ओबे करता तो ग्राफ कैसा होता? ध्यान से देखो, अगर ओम्स लॉ ओबे करता तो ग्राफ क्या होता? स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये है वी और ये है आई. अगर ओम्स लॉ ओबे करता तो ग्राफ वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन. अब क्योंकि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है तो ग्राफ में क्या हो सकता है? कर्व हो सकता है. नॉन लीनियर वेरिएशन होना चाहिए ग्राफ में. यानी मान लो यहां तक स्ट्रेट चला भी गया तो यहां से कर्व, तो दिस इज नॉन लीनियर वेरिएशन. ठीक है, लीनियर वेरिएशन तब होता जब स्ट्रेट लाइन होता. यानी नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम? द वेरिएशन ऑफ आई एंड वी इज नॉन लीनियर. क्लियर है? सबसे पहला कंडीशन, क्योंकि आर क्या है? कॉन्स्टेंट नहीं है. यहां पर आर वेरिएबल हो जाएगा. क्लियर है? इस केस में R कांस्टेंट होता है, हम कहीं भी V और I का रिलेशन निकालते हैं तो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ R को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पहला कंडीशन नॉन ओमिक डिवाइस का जो बेसिक कंडीशन है, दैट इज देयर विल बी अ नॉन लीनियर वेरिएशन इन ग्राफ. सेकंड पॉइंट देखो, रिलेशन बिटवीन V and I. अब पहला क्या था? नॉन लीनियर वेरिएशन था. और सेकंड, अब जो V and I का रिलेशन है वो किस पर डिपेंड करता है? ऑन द साइन ऑफ V. अब रिलेशन बिटवीन V and I कैसे देखो डिपेंड करता है साइन ऑफ V पे. सपोज करो दिस इज द ग्राफ ऑफ V and I. अब नॉन लीनियर वेरिएशन हम ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए. हमने क्या किया है? V का पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया. तो सपोज करो कि ग्राफ यूं जा रहा है. क्लियर? अब सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल के लिए अगर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है हमने, तो ग्राफ का वेरिएशन यूं जा रहा है. अगर यही हम पोटेंशियल को V को नेगेटिव में ले जाए तो ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए. पॉजिटिव में लेके ऐसा तो नेगेटिव में भी ले जाएंगे तो ऐसा होना चाहिए. लेकिन हम क्या देखते हैं, अगर हम पोटेंशियल को नेगेटिव में ले जाते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आता है. अब देखो
दोनों का वेरिएशन अलग अलग है, ठीक है। इस केस में ग्रेजुअली राइज कर रहा है और कर्व ऊपर जा रहा है, इसमें हो सकता है यहाँ आके फिर स्टीपली नीचे चला जाए, या थोड़ा और हम इसको यू ले जा सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव का वेरिएशन और नेगेटिव का वेरिएशन अलग अलग है इन केस ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस। रिलेशन बिटवीन वी एंड आई डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ वी। वी के पॉजिटिव का ग्राफ देखो, कर्व यू जा रहा है, वी के नेगेटिव का अलग जा रहा है, जबकि जाना दोनों का सेम चाहिए था, लेकिन ये भी एक कंडीशन है किसके अंदर, नॉन ओमिक डिवाइसेस। और बेसिकली ऐसा तुम कहां पर देखोगे, डायोड्स में। हम इस तरह का ग्राफ डायोड के केस में देख सकते हैं, ठीक है। डायोड में जब हम वी और आई का प्लॉट करते हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए और नेगेटिव पोटेंशियल के लिए ग्राफ डिफरेंट आता है, बिकॉज इट्स अ नॉन ओमिक डिवाइस, इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्लियर है। दिस इज सेकंड कंडीशन नॉन ओमिक डिवाइसेस में। एक ये कंडीशन भी आता है, एक और कंडीशन है नॉन ओमिक डिवाइस में, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक। कैसे देखो, फिर से अगेन प्लॉट करेंगे अगर हम ग्राफ वी और आई का, आई इधर ले लो, वी इधर ले लो, अगर हम ऐसा प्लॉट करते हैं। अब इस केस में जब हम प्लॉट करके ग्राफ देखते हैं तो प्लॉट ग्राफ कुछ इस तरह से वेरी कर सकता है, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट पे तुम देखो तो हम यहां से अगर एक वैल्यू देखें, यहां से वैल्यू देखें और यहां से वैल्यू देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब करंट की वैल्यू सेम है लेकिन पोटेंशियल क्या है, अलग अलग। जबकि ओम्स लॉ में तुम ध्यान से देखो क्या था, ओम्स लॉ के अंदर जब ग्राफ का वेरिएशन लीनियर था तो हर एक वैल्यू ऑफ वी के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू आई आता था, इस पर्टिकुलर वैल्यू वी के लिए पर्टिकुलर वैल्यू आई, फिर से पर्टिकुलर वैल्यू वी के लिए पर्टिकुलर वैल्यू आई, यानी हर एक पर्टिकुलर वैल्यू वी के लिए पर्टिकुलर वैल्यू आई है, पर्टिकुलर वैल्यू वी के लिए पर्टिकुलर वैल्यू आई है, ठीक है, यानी इसका यूनिक है। लेकिन रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक। यहां पर अगर हम इस पॉइंट पे करंट को देखते हैं, ठीक है, तो करंट की वैल्यू ये भी है और ये भी है, जबकि वोल्टेज डिफरेंट, ठीक है, आ रही बात समझ में। यहां पे भी करंट वही है, यहां पे भी करंट वही है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग है, यानी वी और आई का रिलेशन यूनिक नहीं है इन द केस ऑफ non-ohmic devices. Non-ohmic devices में V और I का relation same नहीं, यानी तीन condition समझ गए। सबसे पहला non-linear variation है, ठीक है, दूसरा V के sign पे भी depend कर रहा है, V positive है तो graph कुछ और हो रहा है, negative है तो graph कुछ और हो रहा है, जैसे मैंने कहा था diode के case में होता है। अब ये graph भी अगर तुम plot करोगे, अगर हम LED में देखें, जैसे LED कौन सा है, gallium arsenide, अगर इसका बना हुआ लाइट एमिटिंग डायोड है तो इस केस में अगर तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ यू आता है वी और आई के वेरिएशन का, ठीक है। अलग अलग वी पे करंट तुम्हारा सेम हो सकता है, यानी रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक, क्लियर है यहां तक तीनों पॉइंट, इसका नॉन ओमिक डिवाइसेस। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो पहले भी तुम पढ़े थे। सबसे पहला ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या है, इट इज डिनोटेड बाय एप्साइलन,
क्लियर। मैंने पहले भी फर्स्ट क्लास में समझाया था ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे वो इलेक्ट्रॉन को मूव करता है, वो कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने तुम्हें बता दिया है। आज हम ईएमएफ जानेंगे सेकंड वाले कंसेप्ट से, दैट इज ईएमएफ का सबसे पहला कंडीशन क्या है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल। ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल। ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब नो करंट फ्लोज इन द सर्किट, नो करंट फ्लोज इन सर्किट। अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, नो करंट फ्लोज इन द सर्किट, यानी सर्किट इज ओपन। स्विच क्या है, ऑफ है। अगर स्विच ऑफ है तभी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, और तब जो सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम ईएमएफ कहते हैं। दैट इज, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल व्हेन द सेल इज, व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग, या व्हेन द करंट इज नॉट विथड्रॉन फ्रॉम द सेल, और द सर्किट इज ओपन। क्लियर है, सर्किट ओपन है मतलब स्विच क्लोज्ड नहीं है। आई बात समझ में, स्विच ऑन करते ही ईएमएफ किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस में। स्विच ऑफ है इसका मतलब ईएमएफ है, यानी सर्किट ओपन। क्लियर है यहां तक कंसेप्ट सबको ईएमएफ का? ईएमएफ कंसेप्ट पहले भी समझाया गया था, अब सिर्फ दूसरे में बताया गया है। नेक्स्ट देखो आप, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, यानी अगर सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट क्लोज है, करंट फ्लोस, और यही ईएमएफ किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एप्साइलन इज कन्वर्टेड टू V, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जिसको पहले तुम ईएमएफ बुलाते थे, अब उसको क्या बुलाओगे, वी। ठीक, अब जैसे ही करंट फ्लो हुआ था, एक नया टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस होगा। जब सर्किट में करंट फ्लो होता है, तुम्हें पता है कि वायर में रेजिस्टेंस होता है। सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है मींस देयर इज रेजिस्टेंस इन वायर आल्सो। फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन टकराया, ड्यू टू कलिजन देयर इज रेजिस्टेंस। हम इस वाले रेजिस्टेंस को पहले से ही समझ चुके हैं, एंड दैट रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, उस रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। अब तुमने ये सोचा कि जब करंट फ्लो करता है तो थ्रू द बैटरी भी फ्लो करता है, बैटरी में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में भी तो मोशन है आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते होंगे, रेजिस्टेंस वहां भी होता है। तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विच इज इनसाइड द सेल। बाहर जो सर्किट में रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी तुम्हें पता है, समझाया भी गया है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस क्या होता है। दैट रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट विच वॉज डिनोटेड बाय आर। उसको हम किससे डिनोट करते थे, आर से। और अब जो रेजिस्टेंस है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, कहां होता है, सेल के अंदर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स है, वहां आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स है, वहां टकराता है, उसके कलिजन के कारण जो रेजिस्टेंस ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड दैट इज डिनोटेड बाय आर। यानी एक नया टर्म आ गया तुम्हारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे डिनोट कर रहे हैं, आर से। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या हो गया, आर। क्लियर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या था, कैपिटल आर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर हम ऐड कर दें, तो तुम देखो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर प्लस आर। क्लियर है, हमने दोनों को ऐड कर दिया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर, बाहर का रेजिस्टेंस R, तो टोटल रेजिस्टेंस इज R प्लस R। अब ये हो गया तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम करंट को कैलकुलेट करना चाहें, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज एप्साइलन अपॉन R प्लस R। ठीक है,
I is equals to epsilon upon R plus R. This will be the current that will be flowing in the circuit. अब जैसे ही epsilon upon R plus R से तुमने I calculate किया, उसी तरह तुम potential difference भी calculate कर सकते हो. Potential difference के केस में हम कह सकते हैं कि एक बार ही सर्किट ऑन करते हैं तो ये epsilon किसमें चेंज हो जाता है, V में. Epsilon will be changed into V. और जैसे ही V में change होगा, the equation changes to V equals to epsilon minus IR. ध्यान से इस equation को देख लो, अभी ये बहुत बार use होना है. V is equal to epsilon minus IR. यानी अब जैसे ही circuit को तुमने switch on किया, मैंने बताया था EMF changes to potential difference. EMF अगर potential difference में change होता है तो वैल्यू ईएमएफ की कम हो जाती है. क्या टर्म यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम. तो जरूर वी जो होगा वो ई से कम होगा. ठीक है, कितने से कम हो जाता है, करंट मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, वी इक्वल्स टू आईआर होता है. ठीक है, अब जैसे करंट फ्लो किया सर्किट के अंदर, ऑब्वियसली इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा सारा, यानी रेजिस्टेंस ऑब्टेन हुआ. वी को हम कह सकते हैं वी इक्वल टू आईआर. तो हम एप्साइलन में से अगर आई आर को माइनस कर दें तो हमें क्या आ जाएगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, दैट इज वी इक्वल्स टू एप्साइलन माइनस आई आर. ठीक है, अब यहां से चाहो तो तुम इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी इक्वेट कर सकते हो. अब आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू एप्साइलन इधर आ जाएगा. ठीक है, आई आर को इधर ले लो, वी को इधर ले लो, तो आर तुम्हारा क्या आ जाएगा, एप्साइलन माइनस वी अपॉन I. This will be the value of internal resistance. R equals to epsilon minus V upon I. ठीक है? अब I को तुम V upon R भी put कर सकते हो. एक और relation आ जाएगा. लिख सकते हैं epsilon minus V. I is equal to V upon R. V upon R. ठीक है? अब क्या करो? Epsilon minus V upon V को एक साथ ले लो और R कहाँ चला जाएगा? ऊपर. Then R equals to epsilon minus V upon I. Epsilon minus V, I को V upon R लिख दिया. एक और relation आ गया, epsilon minus V upon V into R. This is the value of internal resistance. Clear? अब ये जो तुम equation देख रहे हो, ये बहुत important equation है, जो भी बार बार use होने वाला है. जब भी switch on होता है, the potential changes from EMF to potential difference. और उस case में potential difference की value क्या होती है, V equals to epsilon minus IR. अब ये तब है जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन जब सेल चार्जिंग हो रहा है, ठीक है, चार्जिंग के केस में यही इक्वेशन, ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के केस में यही इक्वेशन epsilon minus IR से V equals to epsilon plus IR होता है. क्यों, क्योंकि अब तुम पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हो बाहर से और वो पोटेंशियल ज्यादा है, तभी तो बैटरी में चार्जिंग, बैटरी चार्ज होगा. ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे करंट आएगा. उस केस में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा ईएमएफ से ज्यादा होता है. सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिस केस में तुम ये कह सकते हो कि हाँ भाई, पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ अ सेल. कब, व्हेन द सेल इज बीइंग चार्ज्ड. जब सेल चार्ज होता है तो V equals to epsilon plus IR हो जाता है. क्लियर है, एंड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग V equals to epsilon minus IR होता है. अगली बात समझ में, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो किसी से रिलेटेड, क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं कि चार्जिंग और ये डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का, तो हम सेल को भी ग्रुप कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा क्या है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सबसे पहला हम कर लेते हैं सीरीज का, सीरीज कॉम्बिनेशन. इफ द
the cell is grouped in series. Series में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? एक सेल उसके पीछे एक सेल फिर एक सेल. टॉर्च देखा होगा तुमने, सो इट्स लाइक योर टॉर्च के लिए यूज करते हो. उस टॉर्च में पहले बैटरी डालते हैं, फिर उसके पीछे एक दूसरी बैटरी डालते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं. तीन तीन बैटरी वाला भी होता है, पहला दूसरा तीसरा. तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम? सेल सीरीज में अटैच. और वैसे भी तुम ट्वेल्थ में हो, तुमने रेजिस्टेंस किया है, कैपेसिटेंस किया है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हाँ भाई सीरीज में अटैच करना क्या होता है. तो कंसिडर करते हैं दो सेल जिसको हमने सीरीज में अटैच करना है. ठीक है, सेल वन सेल टू. ठीक है, अब आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल. मान लो इस सेल का आई करंट फ्लो कर रहा है. फॉर द फर्स्ट सेल द EMF is epsilon 1 and internal resistance is R1. पहले सेल के लिए EMF epsilon 1 है, internal resistance R1 है. दूसरे सेल के लिए EMF epsilon 2 है और internal resistance R2 है. Epsilon 1 R2, epsilon 2 R2. This is the EMF of two cell and internal resistance of two cell which is connected in series. Potential मान लो इसका A, B और C. ठीक है, फर्स्ट सेल हैविंग epsilon 1 R1, सेकंड सेल के लिए epsilon 2 R2. अब अगर इन ही दोनों सेल को अगर हम सीरीज में अटैच कर देंगे तो ये दोनों एज अ सिंगल सेल बिहेव करेगा. दो सेल हमने कंसिडर किया, अब दोनों सेल को हमने क्या किया है? सीरीज में अटैच कर दिया. तो अब ये दोनों सिंगल सेल की तरह बिहेव करेगा. तो क्या हम लिख सकते हैं जब ये सिंगल सेल की तरह बिहेव करेगा तो दिस इज पॉइंट ए and this is point C, epsilon equivalent and R equivalent. ठीक है, now जैसे ये दोनों cell club होके एक single cell में convert हो गया तो हम लिख सकते हैं दोनों का net EMF epsilon equivalent है और R R equivalent है. अब हमें यही calculate करना है कि अगर हम series में connect करते हैं तो what will be epsilon equivalent, what will be R equivalent. ठीक है, देख अब A और B के cross potential निकाल A और B के क्रॉस. डेरिवेशन देखो अभी कभी याद हो जाएगा, सिंपल सा डेरिवेशन. A और B के क्रॉस अगर हमें निकालना है तो हम लिख सकते हैं VAB is equal to VA minus VB. ठीक है, VA minus VB. अभी इसके पहले वाले इक्वेशन से तुमने क्या निकाला? ठीक है, ये किसके लिए है? फर्स्ट सेल के लिए. VAB equals to VA minus VB. और तुम्हें पता है V equals to epsilon minus I R होता है. तो क्या हम इसके लिए लिख सकते हैं epsilon 1 minus I R 1. epsilon 1 R 1 था पहले वाले सेल का, उसी तरह सेकंड सेल के लिए V BC है. V BC will be equal to V B minus V C, that is epsilon 2 minus I R 2. V BC equals to VB minus VC equals to epsilon 2 minus IR2. अब एक equivalent cell मिल गया इन दोनों को add करने पे. तो अब इन दोनों को add करना है. ठीक है, अब इन दोनों को add कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? A और C. लिखो VAC. VAC will be the sum of VAB and VBC. AC किसके बराबर है? इन दोनों के sum के बराबर है. sum कर दो VAB प्लस वी बी सी. अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें वी ए बी प्लस वी बी सी को तो हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी सी इट्स इक्वल टू वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी. और इन टर्न ये दोनों किसके इक्वल है? एप्सिलॉन 1 माइनस आई आर 1, एप्सिलॉन 2 माइनस आई आर 2. तो दिस कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन 1 माइनस आई आर 1 प्लस epsilon 2 minus IR2. Clear? epsilon 1 minus IR1 plus epsilon 2 minus IR2. अब epsilon epsilon यानी cell के EMF को एक साथ ले लो. epsilon 1 plus epsilon 2 equals to minus I. दोनों में common निकल जाएगा R1 R2. अंदर क्या आ जाएगा? R1 plus R2. यानी epsilon 1 plus epsilon 2 equals to minus I R1 plus R2 is VAC. अगर हम इन दोनों को सम कर देते हैं तो अब सेकंड वाले डायग्राम में देखो, अगर सेकंड वाले डायग्राम के लिए हम डायरेक्ट VAC लिखना चाहें
तो VAC can be written as epsilon equivalent R equivalent है, epsilon equivalent minus I R equivalent. This is equation one, this is equation two. अब equation one और equation two को compare करो. VAC VAC है, epsilon equivalent के जगह epsilon one plus epsilon two है. हम लिख सकते हैं epsilon equivalent equals to epsilon one plus epsilon two minus I minus I. R equivalent के जगह क्या है, R one plus R two. यानी R equivalent equals to R1 plus R2. यही चाहिए था हमें. इससे क्या समझ गए तुम? इससे हम ये समझते हैं कि अगर सेल को हम सीरीज में अटैच करते हैं, सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज, देन द नेट ईएमएफ विल बी द इंडिविजुअल सम ऑफ द सेल. epsilon equivalent is epsilon 1 plus epsilon 2. और तुम्हें रेजिस्टेंस के केस में तो पहले ही पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, R equivalent equals to R1 plus R2. सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो इट इज R1 plus R2. फॉर एग्जांपल, तुमने टॉर्च के एग्जांपल से मैंने स्टार्ट किया था. टॉर्च में पहला सेल लगाया तुमने, फर्स्ट सेल इज 1.5 वोल्ट एंड द सेकंड सेल इज आल्सो 1.5 वोल्ट, देन व्हाट विल बी द नेट ईएमएफ? नेट ईएमएफ क्या होगा? 1.5 3 वोल्ट. यानी अगर तुम्हें पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, सेल के पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, तुम्हें ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, देन द सेल शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज. सेल किस में कनेक्ट होगा? सीरीज में कनेक्ट होगा. अगर हमें पोटेंशियल बढ़ाना है देन द सेल विल बी कनेक्टेड इन सीरीज. क्लियर? अब सीरीज में कनेक्ट करने पे तुम्हें पता चल गया किस तरह से ईएमएफ इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है. अब हमें इसी सेल को अगर पैरेलल में कनेक्ट करना है तब क्या रिजल्ट आएगा ईएमएफ का और इंटरनल रेजिस्टेंस का? देखो, अब सेल को तुमने ग्रुप कर दिया है पैरेलल. अब जैसे ही सेल को तुम पैरेलल में ग्रुप करोगे तो पैरेलल में बोथ द एंड्स आर कनेक्टेड. पहला सेल ले लो, और दूसरा सेल ले लो, ठीक है. अब इसमें करंट I1 फ्लो करेगा, इसमें करंट I2 फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है. क्लियर? करंट क्या है? I1, I2. सम क्या है? I. अब क्योंकि करंट दोनों केस में डिफरेंट है तो इसीलिए पहले सेल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एप्साइलन 1 I1, और सेकंड सेल हमारा क्या है, एप्साइलन 2 I2. क्लियर? सीरीज के केस में मैंने क्या लिखा था, epsilon b equals to epsilon minus ir. second case में भी epsilon 2 minus ir 2, यानी उस केस में i सेम था, इस केस में क्या है, i डिफरेंट है. तो पहले वाले सेल के लिए epsilon 1 i1, दूसरे वाले सेल के लिए epsilon 2 i2. क्लियर? अब अगर यही दोनों सेल सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है तो फिर से वन यूनिट की तरह काम करेगा. तो हम लिख सकते हैं, एक बार इसका वैल्यूज पुट कर दो. मान लो ये ए है, दिस इज बी वन, दिस इज बी टू एंड दिस पॉइंट इज सी, ठीक है. बी वन बी टू ले लिया मैंने, दो पॉइंट ए और सी, दो टर्मिनल्स. अब इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, फिर से देखो, ए सी एप्सिलॉन इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट, सेम जैसे हमें पहले मिला था. क्लियर? एप्सिलॉन इक्विवेलेंट टोटल ईएमएफ, आर इक्विवेलेंट टोटल ईएमएफ. फिर से हम उसी मेथड से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि पैरेलल है तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. बी वन बी टू का यहाँ सेल वन के लिए, बी वन बी टू का सेल टू के लिए, ठीक है. तो हम निकालेंगे फॉर सेल वन, ध्यान से देखिए, फॉर
सेल वन हम क्या लिख सकते हैं, V is equal to V V1 minus V V2, ठीक है, V V1 minus V V2. अब V V1 minus V V2 क्या होना चाहिए, epsilon 1 I1, यानी V equals to epsilon minus IR का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, equals to epsilon 1 minus I1 R1. ध्यान से देखो, epsilon 1 minus I1 R1, I1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ठीक है. अब पोटेंशियल हमें लिखना था I1 R1, epsilon 1 R1, epsilon 2 R2, ठीक है, epsilon 1 R1, epsilon 2 R2. अब VB1 minus VB2 equals to epsilon 1 minus I1 R1. वैसे ही for second cell V equals to V V1 minus V V2 equals to epsilon 2 minus I1 I2 R2. V V1 minus V V2 equals to epsilon 2 minus I2 R2. Clear? अब सेल 1 के लिए तुम्हें क्लियर हो गया, सेल 2 के लिए क्लियर हो गया, लेकिन क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग है तो मुझे पहले इक्वेशन से भी करंट की वैल्यू चाहिए, दूसरे इक्वेशन से भी करंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है. तो अगर हम पहले इक्वेशन से करंट की वैल्यू निकाले तो अब देखो कैसे निकालेंगे, तुम्हें I1 को बाहर निकालना है, ठीक है, I1 को बाहर निकालना है, यानी I1 R1 इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा. तो हम लिख सकते हैं I1 equals to epsilon 1 minus V upon R1, I2 equals to epsilon 2 minus V upon R2. I1 equals to epsilon 1 minus V upon R1 and I2 equals to epsilon 2 minus V upon R2. क्या किया है हमने, I1 और I2 को बाहर निकाल दिया, ठीक है, I1 और I2 बाहर निकल गया, क्लियर. आगे देखो, अब टोटल करंट क्या होगा भाई, I is equal to I1 plus I2. टोटल करंट I equals to I1 plus I2, दोनों को ऐड कर दो वैल्यू को पुट कर. अब हम लिख सकते हैं I is equal to epsilon 1 minus V upon R1 plus epsilon 2 minus V upon R2. epsilon 1 minus V upon R1 plus epsilon 2 minus V upon R2. अब epsilon 1 यहां भी है, epsilon 2 यहां है, दोनों को एक तरफ लेते आओ, epsilon 1 upon R1 plus epsilon 2 upon R2 एक साथ आ गया, ठीक है. अब minus V को common निकाल लो, 1 upon R1 plus 1 upon R2, यानी नेट ईएमएफ क्या आ गया तुम्हारा, एप्सिलॉन 1 अपॉन आर1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन आर2. बी को कॉमन निकाला, 1 अपॉन आर1 प्लस 1 अपॉन आर2, क्लियर. अब अगर यही इक्विवेलेंट में अगर हम चेंज करें तो मुझे क्या चाहिए, बी की वैल्यू, ठीक. तो हम क्या करेंगे, इसको सम कर देंगे, सम करके लिख सकते हैं हम इसको आर1 आर2 एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, क्लियर है, यानी एप्सिलॉन 1 R1 plus epsilon 2 R2, epsilon 1 R2, sorry, पेंसिल सम करना है, R1 R2 epsilon 1 R2 plus epsilon 2 R1, ये इन दोनों का सम हो गया, minus V R1 R2 R1 plus R2. ध्यान से देखो, एलसीएम ले लिया R1 R2, epsilon 1 R2 plus epsilon 2 R1 upon R1 R2. V को कॉमन निकाला था, अब R1 R2 को ऐड कर रहे हैं, तो R1 R2 ऊपर R1 plus R2, ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया करंट का. अभी भी I है, अभी भी I है, ठीक है. अब हमें क्या करना है, यहां से V को बाहर निकालना है, ठीक है, किसको बाहर निकालना है, V को. अब अगर हम V को बाहर निकालना चाहते हैं तो ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं V
R1 plus R2 upon R1 R2 is equal to epsilon 1 R2 plus epsilon 2 R1 upon R1 R2, और I उधर चला जाएगा तो माइनस I, ध्यान से देखो V R1 R2 upon R1 R2 है equals to epsilon 1 R2 वैसे का वैसा ही है plus epsilon 2 R1 upon R1 R2, I जो तुम्हारा था लेफ्ट हैंड साइड उसको मैंने राइट हैंड साइड कर दिया तो माइनस I, और इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं V को बाहर निकालो, अब V equals to R1 R2 ऊपर चला जाएगा epsilon 1 R2 plus epsilon 2 R1 upon R1 R2 into R1 R2 upon R1 plus R2, ठीक है, एक तो तुम्हारा ये आ गया माइनस I into ये उधर गया है R1 R2 upon R1 plus R2, clear, आगे this will be equal to R1 R2 cancel हो गया, V is equal to now epsilon 1 R2 plus epsilon 2 R1 upon R1 plus R2 minus I R1 R2 upon R1 plus R2, this is the value of V, clear है, ये किसकी वैल्यू है V की। अब अगर हम इस वाले रिलेशन में V को लिखे तो हम लिख सकते हैं कि V is equals to epsilon equivalent minus I R equivalent, this is equation 1 and this is equation 2, ठीक है, यहां तक तो दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, V equals to this value minus I into this value, अगर हम सेकंड वाले सेल के लिए लिखे तो V equals to epsilon equivalent minus I R equivalent, अब epsilon equivalent के जगह ये है और R equivalent के जगह ये है, तो हम लिख सकते हैं epsilon equivalent, नीचे दिख रहा है तुम लोगों को, देखो या मैं उधर लिख देता हूं फिर, देखो यहीं पर देखो epsilon equivalent क्या हो जाएगा epsilon 1 R2 plus epsilon 2 R1 upon R1 plus R2, और I equivalent R equivalent क्या हो जाएगा R1 R2 upon R1 plus R2, यहां तक दिख रहा है मेरे ख्याल से, epsilon equivalent को कंपेयर किया है हमने इन दोनों को, epsilon equivalent के जगह ये वाला टर्म है और R equivalent के जगह ये वाला टर्म है, तो epsilon equivalent तुम्हारा क्या आ रहा है epsilon 1 R2 plus epsilon 2 R1 upon R1 plus R2, और R equivalent क्या आ रहा है R1 R2 upon R1 plus R2, अब ये दो पर्टिकुलर वैल्यू आ गया है, अब हम इसको चाहे तो स्प्लिट कर भी सकते हैं, देखो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं हम, हमने कंपेयर किया हमारे पास वैल्यू क्या आ गया था epsilon equivalent equals to epsilon 1 R2 plus epsilon 2 R1 upon R1 plus R2, ठीक है, अब इस केस में अगर हम ये कहें कि दोनों सेल का EMF सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, दोनों सेल का EMF सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो हम लिख सकते हैं epsilon R है प्लस epsilon R upon R plus R, ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो R plus R से R plus R चला जाएगा, that is epsilon plus epsilon equals to epsilon, ठीक है, अब यही R equivalent क्योंकि epsilon common निकल गया है, देख लो अगर समझ में नहीं आया तो epsilon common निकलेगा R plus R upon R plus R, R plus R से cancel, क्या आ जाएगा result equals to epsilon, यानी epsilon equivalent epsilon के equal आ रहा है, इससे ये prove हो रहा है कि अगर तुम cell को parallel में connect करते हो, if the cells are connected in parallel, EMF में कोई change नहीं आता है, अगर cell को हम parallel में connect करते हैं, तो EMF में कोई change नहीं आता है,
1.5 वोल्ट की बैटरी, 1.5 वोल्ट की बैटरी अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो नेट ईएमएफ क्या होगा, 1.5 वोल्ट। ठीक है, यही तुम्हारा सीरीज में क्या होता था, ऐड हो जाता था, 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट इक्वल्स टू 3 वोल्ट। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो ईएमएफ विल रिमेन सेम। आगे देखो, अगर हम रेजिस्टेंस के लिए देखें तो आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा था तुम्हारा, R1 R2 upon R1 plus R2, ठीक है। अब R equivalent अगर ये है तुम्हारा, तो हम लिख सकते हैं 1 upon R equivalent equals to R1 plus R2 upon R1 R2, split कर दो, 1 upon R equivalent equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, ठीक है। यानी फिर से देखो, अगर parallel में connect होता है R equivalent equals to क्या आ रहा है, 1 upon R1 plus 1 upon R2, clear है। इस तरह से हमें ये पता चल गया है कि cell का EMF same रहता है, whereas resistance उसी तरह parallel में add हो जाता है, 1 upon R1 plus 1 upon R2, clear है सबको। तो ये था हमारा grouping of cell in parallel, इसके पहले हमने क्या किया था, grouping of cell in series। इस तरह से cells को हम series और parallel में add करते हैं, क्लियर। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में, पहले हम इस पे बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके नोट्स को लिखेंगे, फिर जाके आगे का टॉपिक करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अब तुम्हारा जो स्टार्ट होगा दैट विल बी किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, टिल देन इसको सारा रिवाइज करो और नोट डाउन।